ਸਾਰੇ ਲਿਆਓ ਬੈਨਰ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਿਆਓ ਬੱਚੇ ਸਲੋਗਨ ਲਵਾ ਲਓ मैं परविंदर सिंह ये जम्मू कश्मीर सिख संगत की तरफ से हो रहा है 1984 में जो 5000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम किया गया जिनको जिंदा जलाया गया पेट्रोल डाल के गले में टायर डाल के जलाया गया दिल्ली में कानपुर में रियासी में 17 सिखों को कत्ल किया गया उसका चश्मदीद गवाह मैं हूँ लेकिन आज तक 34 साल बीतने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है क्या वजह है उसके पर उसके कारण क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी इनोसेंट किलिंग को सपोर्ट करती है मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या वो इस ऐसी जो कत्लेआम होती है क्या उनको सपोर्ट करते हैं वो 4.5 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट आई हुई है क्यों नहीं हमें इंसाफ मिल रहा है आगे कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा आज हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं आज इतने साल बीतने के बाद भी हमने हर साल गवर्नमेंट को चेताया है कि हमें जस्टिस दीजिए हमें जस्टिस दीजिए हमें जस्टिस दीजिए आखिर हम कब तक धैर्य रखेंगे ये ना होगी एक दिन सिख कम्युनिटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे विश्वास है लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास है वो विश्वास टूट जाए और उनको अपने तरीके से इंसाफ लेना पड़े मेरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी ये अपील है कि जो रियासी में 17 सिखों का कत्लेआम हुआ है उसके केस को रीओपन किया जाए और जहां जहां भी हम सिख रियासी में गुरुद्वारा बंद है उसके लिए हमें वहां पे जगह अलॉट की जाए और हमारे नई इमारत के लिए हमें वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से पूरी हेल्प की जाए सर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ से हूँ मोहम्मद जसारत खान दूसरी बात जिस कौम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए 90% इन्होंने शहादतें दी हैं उस कौम को 84 के जो जेनोसाइड हुआ उसके लिए आज तक आफ्टर 34 ईयर्स आज इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो हम ये क्या समझें ये आज सेंटर में बीजेपी सरकार है और पंजाब में कांग्रेस सरकार है पंजाब में हालांकि जम्मू में भी बहुत जुल्म हुआ लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब और दिल्ली में पंजाब में कांग्रेस है उनके हाथ में सब है क्या वहाँ पे सिखों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो इसका क्या समझें सेंटर में बीजेपी सरकार है आज अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम बाकी जो हैं माइनॉरिटीज़ वो क्या उम्मीद लगाएं कि हमें क्या मिलेगा